वेलकम होम। देखो दो बातें आपसे वहां भी बात हुई, कल परसों भी एक दो प्रेस वालों से बात, यूक्रेन के बारे में, बच्चों के बारे में पूछा। देखो पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग तरीके से सवाल उठाती हैं। जब सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था तब भी सवाल थे, जब 370 धारा हटी तब भी सवाल थे, पर प्रथम राष्ट्र का जब मुद्दा आता है तो हमें पॉलिटिकल पार्टी को एक होना चाहिए। अभी हमारे बच्चे सामने बैठे, हमारे दोनों बच्चे है ना, कल ही आए दोनों बच्चे, उनके चेहरे की मुस्कान देखो, घबराए हुए नहीं है। मैंने आते ही उनको एक ही सवाल पूछा, बच्चों को एक ही सवाल पूछा बच्चों को, तो बेटा को तकलीफ तो नहीं हुई? कहते नहीं, हमें सरकार बड़ी इज्जत के साथ बड़े तरीके के साथ लेके आई, और बच्चों के चेहरे अगर आप देखोगे बिल्कुल कोई चेहरे पे उनके डर खौफ नहीं है। ये हमारे बहादुर बच्चे हैं, हमारे पठानकोट के, हमारे पंजाब के बच्चे हैं, पूरी तरह सब सेफ है, कोशिश पूरी जारी है। कोई सवाल ये है कोई कहाँ फंसा है, कोई कहाँ फंसा है, मुल्क तो अपना नहीं है ना, पर अपना मुल्क ना होने के बावजूद हमारे बच्चे वहाँ सेफ हैं। मुश्किलातों का कई बार सामना करना पड़ता है, अगर मुकाबला का सामना करना पड़ता है, हम कर रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी जी रात को 2-2 बजे अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं, मीटिंग करते हैं सबके साथ। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल लोग इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं वो मैं कहता हूँ राष्ट्र हित में नहीं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो बच्चों का, बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। उनको चाहिए इस वक्त सब एक होके, बच्चे सबके हैं, हर किसी के बच्चे, बच्चे एक जैसे होते हैं, बच्चे किसी के नहीं होते, पूरे देश के बच्चे, हमें देश के बच्चे समझ के सबको एक होना चाहिए।